Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue. You are only mine. Episode 11. बिक्की गुस्से से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है. फिर नोट कहती है, बिक्की अपने चेयर से जब वॉशरूम की ओर जाने लगती है तो एक बॉय के साथ वही ढल जाती है. हे यू इडियट, देख के नहीं चल सकता क्या? आई एम सॉरी बिक्की. बिक्की उस लड़के की ओर देखती है. जेम्स, तुम यहाँ? मैं तो सोच रही थी कि तुम अपनी डैड की कंपनी में बिजी हो, तुमने तो मुझे ऐसा ही कहा था. जेम्स कहता है, हाँ वो मैं एक मीटिंग के लिए ही यहाँ आई हूँ. यहाँ इस बार पे फिर बिक्की जानती है कुछ बिजनेस पर कुछ मीटिंग बार पे ही होती है. जेम्स कहता है, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? बिक्की थोड़ी डर जाती है. क्या वो सच बता देगी? हाँ, बताने में क्या प्रॉब्लम है, मिस फ्रेन के साथ वो आई है. बिक्की सच ही कहती है कि मिस फ्रेन ने उसे यहाँ इनवाइट किया है. जेम्स कहता है, ओह ओके, तो क्या तुम थोड़ी टाइम मेरे साथ बैठ सकते हो? फिर बिक्की भी यही चाहती थी, कॉज वो फ्रस्ट्रेटेड थी उस मलोई से. हाँ श्योर, पर उससे पहले मुझे मिस फ्रेन को बाय कह के आना होगा. इधर मिस फ्रेन को देखा जाती है, वो बहुत टाइम से बैठी थी. बिक्की ने कहा कि वो वॉशरूम में जा रही है, और इतने टाइम से वो क्या कर रही है? फ्रेन जाकर देखने वाली थी. मिस फ्रेन? यस बेबी, आई मीन बिक्की. फ्रेन जब टर्न करती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, कॉज वो बिक्की के सामने उस पर्सन को देख रही थी जिसे वो बहुत हेट करती है. बिक्की कहती है कि मैं जेम्स के साथ बैठने के लिए जा रही हूँ. फिन बस उन दोनों को एक बार देखती है. व्हाट? उसके साथ? नो, यहाँ हो क्या रही है? बिक्की तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं बैठोगे. बिक्की भी कहती है, तो जेम्स भी मेरे साथ यहीं बैठेगी. बेबी तुम यहाँ बैठ जाओ, बिक्की कहती है. फ्रेन को बहुत गुस्सा आ रही थी. बिक्की जेलस से ये उसे रियलाइज़ हो जाती है, पर जब वो जेलस हो जाती है तो वो फ्रेन के फीलिंग्स की कोई केयर नहीं करती है. टाइम बीतते जाती है. नाउ रात की 1 AM हो रही थी. फ्रेन नोटिस करती है बिक्की और जेम्स एक दूसरे को फ्लर्ट कर रहे हैं. कुछ टाइम बाद वहाँ पर मलोई भी आ जाती है. उसके साथ मिस लिम नहीं थी, शायद वो मेंशन वापस गई है. मलोई कहती है कि मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और मिस लिम भी उनके साथ गई है. फ्रेन, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकती हूँ? फ्रेन स्माइल करती है, यप श्योर, बैठो तुम मेरे साथ, हम दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं. तो मलोई फ्रेन के पास बैठ जाती है. ये अच्छी बात है, अब आएगी ना मज़ा. मलोई बिक्की और जेम्स को देख कर कहती है, फ्रेन तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ये बॉय कौन है? लगता है दोनों बहुत क्लोज है. फ्रेन कहती है, हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो दोनों बस फ्रेंड है. मलोई स्माइल करती है. फ्रेन कहती है, लुक एट योर चिक्स, इट्स सो रेड ना, लाइक अ टोमेटो. मलोई भी उसे परेशान करने के लिए उसे टिकल करती है. फ्रेन कहती है, ओके मलोई स्टॉप इट, अच्छा आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगी. बट मलोई नहीं रुकती है. फ्रेन उसे स्टॉप करने के लिए बार बार उसके चिक्स पर किस कर रहे थे. आओ ओके फाइन, मैं नहीं करूँगी फ्रेन स्टॉप, मलोई कहती है. दोनों एक दूसरे में बहुत बिजी थे. तभी बिक्की एक वाइन की ग्लास फ्रेन के ऊपर बस फेंकती है. व्हाट द हेल, किसने किया ये? बिक्की फ्रेन की ओर डेडली लुक देती है. आओ आई एम सॉरी, गलती से मेरी ग्लास आपके ऊपर गिर गई. मलोई जल्दी से कहती है, आओ स्वीटहार्ट आई ओके? फ्रेन यस कहती है और अगेन उसके साथ बिजी हो जाती है. एंड देन कुछ मिनट बाद इस बार बिक्की अपनी हील फ्रेन के ऊपर फेंकती है. क्या आप अभी भी नहीं रोकने वाले हो? आउच, बिक्की तुम्हें हो क्या गया है, क्या हुआ है तुम्हें? बिक्की कहती है, क्यों आप नहीं जानते मुझे क्या हुआ है? चलो आप मेरे साथ, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है.
विक्की फिन के हाथ होल्ड करते हैं। फिन थोड़े डर जाते हैं, पर ऐसे गुस्से में विक्की बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। विक्की गुस्से से कहती है, जेम्स तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हारे साथ कल बात करूँगी। एंड यू मिस फिन, अब आओ मेरे साथ। ये कहते ही विक्की फिन को बस उस बार से पुल करते हुए लेकर जाते हैं। अगले सीन में हमें पार्किंग लॉट देखा जाते हैं। विक्की वेट, हमें मलॉय के लिए वेट करना चाहिए। फिन अपनी बात ख़त्म नहीं करती है। विक्की अपने बैग को उसके ऊपर फेंकती है। फिन को ऐसा लग रही थी कि विक्की गुस्से में है और बस सारी चीज़ उसके ऊपर फेंकना चाहती है। ओफो विक्की, तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? विक्की कहती है, मुझसे क्वेश्चन करना बंद करो, मुझे घर लेकर चलो, मुझे रेस्ट करना है। विक्की ये कहती है और कार में जाती है। ओके ओके फाइन, मैं तुम्हें घर लेकर जाती हूँ। फिन अपनी कार में जाती है और कार को स्टार्ट करती है। अगले सीन में विक्की के घर दिखाई जाती है। अभी रात की 3 बज रहे थे। गुड मॉर्निंग मिसेस रिबेका, फिन विक्की के मॉम से कहती है। उसके मॉम फिन की ओर देखकर स्माइल करती है। विक्की भी अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग कहती है और उसे हग करती है। मॉम मैं ऊपर जा रही हूँ, विक्की ये कहती है और चली जाती है। फिन कहती है कि वो भी ऊपर जा रही है। उसकी मॉम आस करती है, आप इस टाइम पे यहाँ? फिन कहती है कि उसे बस विक्की से कुछ कहना है। फिल तो फिन उसकी रूम में आती है, डोर पर धीरे से नॉक करती है और रूम में एंट्री करती है। आप क्यों आए हो? अब आपको इतनी रात को क्या चाहिए? आपने मुझे घर ड्रॉप कर दिया ना, तो आप जा सकते हो। विक्की प्लीज़, तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो? बताओ ना आखिर हुआ क्या है, मेरी क्या गलती है? सी मैं कैसे जा सकती हूँ, तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो और मुझे कुछ बोल भी नहीं रहे हो। प्लीज़ टेल मी ना विक्की। मैंने कहा ना आप जाओ यहाँ से, विक्की गुस्से से कहती है। ओके ओके फाइन, मैं जा रही हूँ, मैं पहले मलॉय से जाकर मिलूँगी, फिन कहती है और बस टर्न करती है। पीछे से विक्की अगेन कहती है, अगर आप एक कदम मेरे रूम से बाहर गए ना, तो मैं इस डोर को तोड़ दूंगी। फिन कहती है, रिलैक्स रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ। आप मलॉय से जाकर नहीं मिलोगे, विक्की कहती है। बेब क्या तुम मलॉय से जेलस हो? फिन आस करती है। विक्की एकदम कोल्ड टोन में कहती है, नो। तो मैं जब भी उसकी बात करती हूँ तो तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो? विक्की कहती है, मैं आप दोनों को एक साथ नहीं देख पाती हूँ और आपके साथ उसके कोई रिलेशन नहीं है। फिन कहती है, और तो तुम झूठ बोल रहे थे, तुम जेलस हो मलॉय से। विक्की कहती है, इरिटेटिंग, ओके फाइन, आपको जहाँ जाना है जाओ, मलॉय के साथ बात करनी ही ना चाहो, मैं आपसे बात नहीं करूँगी और आप कभी मेरे घर मत आना। आपसे बात करने बजाय मैं जेम्स से बात करूँगी, मैं भी उसे कॉल करती हूँ। उसकी ये सब बातें सुनकर फिन की फेस से स्माइल गायब हो जाती है। डैट्समैन तुम स्टिल जेम्स को लाइक करते हो है ना? विक्की कहती है, यस वेट इज आपसे तो अच्छा है, वो मेरे सामने किसी और के साथ बात नहीं करता है। मैं उसे लव करती हूँ और वो ऑलवेज मुझे बहुत सारे अटेंशन देता है। विक्की की ये बात सुनकर फिन को हर्ट फील होती है। फिन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या तुम सच में यही चाहते हो विक्की? विक्की कहती है, यस आप मलॉय के पास जाओ, आप उसके साथ ही ठीक हो, एटलीस्ट मुझे कोई परेशान तो नहीं करेगी, जेम्स और मेरे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ इट्स सो हर्ट, फिन को बहुत पेन महसूस होती है। क्या विक्की बस उसके लिए यही सोचती है? विक्की की हर एक वर्ड फिन के दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। ओके आई नीड टू गो, फिन अपने आंसू पोंछते हुए कहती है। विक्की को गलती महसूस होती है, शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। आई एम सॉरी फिन,
मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिन कहती है, नो नो इट्स ओके, एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते थे। वैसे ठीक ही है, आई एम इडियट, मैं तुम्हें पागलों की तरह लव करती हूँ ना, इसीलिए तुम्हें मौका मिल जाती है मुझे हर्ट करने की। मैं तुम्हें सबके जैसा नहीं समझती थी, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। थैंक यू सो मच मेरे इस फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। आई कॉन्ट बिलीव कि तुम मेरे बारे में बस यही सोचते हो। इट्स फकिंग सो मच हर्ट। विक्की जल्दी से उसके पास आती है और उसके हाथ को होल्ड कर लेती है। लुक फिन, आई एम सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिन उसके हाथ को हटा देती है। नो नो इट्स ओके, अब तो मुझे इस चीज़ की आदत सी पड़ गई है, मुझे बस अकेली रहना है। मैं जा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रही है। विक्की अपने हेड को शेक करती है। नो नो फिन वेट, आई एम सॉरी ना, आप यहीं पर रुक जाओ ना प्लीज़, मैं गुस्सा थी, मैं जलस थी, इसीलिए मैंने कुछ भी कह दिया। विक्की आई एम सीरियस, यू रियली लव मी ना? विक्की अपनी हेड नीचे करती है। फिन अगेन आस करती है, विक्की क्या तुम सच में मुझे लव करते हो ना? फिन ने यही होप की थी कि विक्की के आंसर चेंज हो जाएगी, वो फिन को बहुत लव करेगी और जेम्स को भी वो भूल जाएगी। विक्की कहती है, आई लाइक यू फिन। फिन एक गहरी सांस लेती है, जस्ट येस और नो, यू लव मी येस और नो, मुझे बस ये आंसर चाहिए, जस्ट आंसर माई फकिंग क्वेश्चन डैम इट, फिन लाउडली कहती है। मैं जो आस्क कर रही हूँ उसकी आंसर देने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? फिन प्लीज़, व्हाट प्लीज़, डैम इट विक्की, आंसर माई क्वेश्चन। और विक्की ने जो आंसर दी थी उससे फिन और भी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। विक्की सीधा नो कह देती है। आई यू श्योर विक्की, तुम मुझे लव नहीं करते हो? विक्की इसकी कोई रिप्लाई नहीं देती है, वो बस साइड में देखती है। ओके, तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, मैं अपनी फेस तुम्हें ना दिखाऊँ, तुम्हें परेशान ना करूँ? विक्की की एक्सप्रेशन देखकर यही लग रही थी फिन जो इतनी पेन में है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहे थे। फिन बहुत रोती है, उसके लिए बहुत पेनफुल है, वो विक्की को बहुत लव करती है, वो उसे हेट भी नहीं कर सकती, वो उसे फोर्स भी नहीं कर सकती, उसे लव करना बहुत मुश्किल है जो किसी और को लव करती है। ओके फाइन माय लव, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। विक्की बस आई एम सॉरी कहती है। विक्की उसे यहाँ से जाने के लिए भी नहीं कहती है, वो उसके ऊपर चिल्लाते भी नहीं है, क्या फिर इतने यूज़लेस है? ये ऑलवेज याद रखना, मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ, अपनी टेक केयर करना और हैप्पी रहना, कॉज मैं तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ, तुम बहुत हैप्पी होगे, कॉज तुम्हें परेशान करने के लिए फिन नहीं होगी। मुझे उस दिन उतनी हैप्पीनेस देने के लिए रियली थैंक्स। फिन बस लाउडली रोते हुए उसे हग कर लेती है और उसकी फोरहेड पर किस करती है। विक्की स्टिल चुप थी, फिन को ये बात और भी ज़्यादा पेन दे रही है कि विक्की उसे रोक भी नहीं रही है। फिन रोते रोते उसे छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। हाय विक्की, व्हाट आर यू डूइंग बेब, तुम बार बार फिन को हर्ट कर रहे हो, इट्स नॉट फेयर, फिन एक अलग पर्सन है और वो तुम्हें इतने लव करती है यार, ऐसे पर्सन तुम्हें नहीं मिलने वाली है, कम ऑन। अगर फिन सच में चली जाएगी ना तो तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम क्या खोने वाले हो। ऑलराइट, देखते हैं अब आगे क्या होते हैं। सी यू सून टुमारो नेक्स्ट एपिसोड, बाय।